आज पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट में लास्ट स्टेप है बी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, बी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मनुष्य के डेवलपमेंट में जब गर्भाशय में एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाता है, डेवलपमेंट मैच्योर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके ऊपर आपको बताया था कि तीन अंदर वाली स्तर, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। इसके बाद जब तीनों का निर्माण पूरा हो जाता है, फिर शुरू होता है एम्ब्रियो के ऊपर योगक्षय, एम्ब्रियो टोरियोन एरेंटॉइड्स। तो योगक्षय आपको बताया था हमने कि वो इनएक्टिव रहता है, क्योंकि मनुष्य में प्लेसेंटा जुड़ जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। अब एम्ब्रियो की भी बताई थी कि एम्ब्रियो एम्ब्रियो के जस्ट ऊपर वाली लेयर, यानी अगर ये एम्ब्रियो है तो इसके ऊपर वाली स्तर ये वाला स्तर है, और इसके बीच का जो तरल पदार्थ होता है वो मैं आपको बताया था मेल और फीमेल की पहचान करता है, कौन सा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। कंडीशन क्या होती है एम्ब्रियोसिटेंसिस, टेक्नोलॉजी है ये एम्ब्रियोसिटेंसिस, इसी को लेकर के चेक किया जाता है वह शिशु को गांवी नहीं है या दूसरे राउंड से मेल है या फीमेल। ये एम्ब्रियोसिटेंसिस है एम्ब्रियोन की कंडीशन। एम्ब्रियोन का निर्माण होता है मीसोडर्म और एक्टोडर्म से। जो एम्ब्रियोन वाली स्टेज है ये वाली, इसका निर्माण होता है मीसोडर्म एम्ब्रियो में, और मीसोडर्म का एक्टोडर्म से इसका फॉर्मेशन होता है। कार्य को आपको बताई थी एम्ब्रियोन के क्या क्या कार्य, सबसे पहले तो ये है कि वो ऊपर वाली लेयर रहती है तो ये लोगों का पता लगाती है, सेक्स की पहचान करती है। तीसरा कारण क्या है कि सुरक्षा प्रदान करती है एम्ब्रियो के ऊपर की कवच होती है, जैसे हृदय की और मस्तिष्क के ऊपर नहीं होता है, ऐसे ही इसके ऊपर वाला जो कवच है सुरक्षा प्रदान करता है, नम बनाए रखता है भ्रूण को। एम्ब्रियोन होता है वह है क्या करता रहता है, नम बनाए रखता है, बाहरी आवाज उसे सुरक्षा करता है। ये सभी कंडीशन किसकी होती है, पहली कंडीशन की पहली लेयर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कौन सी एम्ब्रियोन। दूसरे पर आइए कॉर्नियन, कॉर्नियन कॉर्नियन इसमें ये वाला होता है, ये कॉर्नियन है जो दूसरा स्तर है। कॉर्नियन का निर्माण होता है एक्टोडर्म से और मीसोडर्म से, वही तीनों लेयर है इंटरनल फिटस मेम्ब्रेन, एक्टोडर्म मीसोडर्म एंडोडर्म। एक्टोडर्म और मीसोडर्म से इस लेयर का निर्माण कौन सा पाया जा सकता है, कॉर्नियन का निर्माण होता है। कॉर्नियन के निर्माण का दूसरा क्या प्रोसेस होती है, कॉर्नियन में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन, श्वसन का काम करना है एम्ब्रियो के लिए, पोषण प्रदान करना, और तीसरा क्या है उत्सर्जन, जो बच्चे से जो हानिकारक पदार्थ निकले होते हैं वह पदार्थ शरीर से बाहर भी निकालना, जो ब्लड सेंटर पड़ेगा उससे एक्सचेंज होता रहे, यानी ब्लड आएगा और ब्लड से जाकर के उसमें पहुंचेगा वो ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन, ये तीनों से क्या होता है कॉर्नियन। तीसरा जो सबसे अंतिम वाला पार्ट है वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कराएगा, प्लेसेंटा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है आर्टरीज ऑफ वेन्स, आर्टरीज ऑफ वेन्स का मतलब है धमनियों और शिराओं का निर्माण करके जुड़ना, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मतलब आपको पता है धमनी का काम क्या होता है, शुद्ध लोगों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना, शिराओं का काम क्या होता है अशुद्ध लोगों को वापस देना, यही का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन मिला के जो एलेक्ट्रॉइड्स होती है कि जो ब्रांचेस हो रही है बीमारी, इससे क्या होता है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ऑक्सीजन, ये सब सिस्टम उससे जुड़ा हुआ एलिमेंट्स। ये तीन लेयर मुख्य रूप से है एम्ब्रियोन, कॉर्नियन और एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्लेसेंटा, जो अगला पॉइंट है
प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, अपरा हिंदी बोलते इसको अपरा, अपरा का काम क्या है आपको पता है, ये जो अपरा होता है प्लेसेंटा होता है कि अस्थायी संबंध है मदर और उस बच्चे का, या जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है उसका अस्थायी संबंध है, जो भाग मदर की न्यूक्लियस गर्भाशय से जुड़े जाएगा मैटरनल प्लेसेंटा, उसका दूसरा स्राव नाभि से, नाभि का मतलब है बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा फीटस प्लेसेंटा। दो प्रकार का हो गया, एक हो गया आपका कौन सा मैटरनल प्लेसेंटा, दूसरा क्या हो गया फीटल प्लेसेंटा। तो परिभाषा क्या करेंगे प्लेसेंटा का, मदर और एक ऐसा वह अंग जो दो जंतुओं से जुड़ा हुआ है, जैसे को आपने बताया था जायगोट, एक ऐसी एक कोश की कोशिका है जो स्पर्म ओवा से पूर्ण होकर के स्पर्म ओवा पूर्ण होकर के बनी है, वह एक कोशिका, ऐसी कोशिका का नाम बताइए जो दो जंतुओं से मिलकर के बनी है, वो है जायगोट या युगला। इसी प्रकार से ऐसी संरचना, ऐसे अंग की संरचना बताइए जो दो जंतुओं से मिलकर के बनी है, दो जंतु कौन से हो गए, एक हो गया मदर और एक हो गया एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है। प्लेसेंटा कैसे कंडीशन है, दो जंतुओं से मिलकर बनाया सांग है, जो दो जंतुओं से मिलकर बनाई मदर का न्यूक्लियस और दूसरा बच्चे की नाभि अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलकर के बना होता है, अस्थायी संबंध जो जोड़ता है। अस्थायी क्यों है, क्योंकि आपको पता है बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसकी नाभि को काटा जाता है, ब्लेड या कैंची से काट करके कब काटा जाता है, जब उस बच्चे को बिल्कुल बाहरी ऑक्सीजन शुरू हो जाती है, एस्पिरेशन वगैरह एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, उसको साफ सुथरा करके बाहर से ऑक्सीजन लेने लगता है वो बच्चा, तो उसको कैंची या ब्लेड से नाभि काट दी जाती है, बांध दी जाती है, इसी को अपन लोग क्या बोल देते हैं नरा, बोलते हैं ना गाँव में बोल देते हैं कि नरा है, तो वो उस समय बना रहता है नाभि और ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाता है मदर फादर, तो वो प्लेसेंटा कुछ भाग है, लेकिन जब जब बच्चा वह जन्म लेने के बाद बाहर से देता है रेस्पिरेशन वगैरह प्रोसेस, तब उसकी कैंची चलाई जाती है, लेना पहले चल जाएगी तो उम्रत हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज जब तक नहीं करता है बाहर से, तो अस्थायी क्यों है, देखिए जब तक गर्भाशय के अंदर वह शिशु रहता है, जब तक उस प्लेसेंटा का काल होता है, तो गर्भाशय के बाद जैसे बच्चा बाहर आया उसको काट के अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही अंग जानवरों में एक प्रोसेस संपन्न होती है। तो प्लेसेंटा कई प्रकार का होता है, जैसे नंबर एक है योग शेक प्लेसेंटा, इन चार नाम बता दे रहे, योग शेक प्लेसेंटा में कंधा हुआ, इन चार नाम से लीजिए, योग शेक प्लेसेंटा में कंधा हुआ था, कॉर्नियो एलेंड्राइक प्लेसेंटा जो दूसरा है, कॉर्नियोनिक एलेंड्राइक प्लेसेंटा में मनुष्य जात किया, इसका क्या बताया कॉर्नियो एलेंड्राइक प्लेसेंटा, इसका क्या है एपिथेलियो कॉर्डेटिक प्लेसेंटा, इसका प्रकार है एपिथेलियो कॉर्डेटिक प्लेसेंटा में शुगर, हमने देखा होगा शुगर एक बार में 12-13 बच्चों का जन्म देता, एक हम पीछे पीछे में कर दी जाती है, हफ्ते जैसे मटर के दाने नहीं होते, ऐसे मटर के दाने में समान एक चेन में कर दी जाती है, हफ्ते चेन के एक भाग में एक बच्चा या एक एम्ब्रियो करता है, उसमें कौन सा प्लेसेंटा है एम्ब्रियो कोऑर्डिनेट प्लेसेंटा, सिंडेसिमो कोऑर्डिनेट प्लेसेंटा चौथा है, सिंडेसिमो कोऑर्डिनेट प्लेसेंटा भेड़ बकरिया ये भी दो दो बच्चों को जन्म दे, सिंडेसिमो कोऑर्डिनेट प्लेसेंटा भेड़ बकरिया, नीमो कोऑर्डिनेट प्लेसेंटा में भी मनुष्य, नीमो कोऑर्डिनेट प्लेसेंटा में भी ये पांचवा प्रकार है, नीमो कोऑर्डिनेट प्लेसेंटा में मनुष्य, और उसके बाद कुछ और है नॉन डेसिग्रेट प्लेसेंटा, नॉन डेसिग्रेट प्लेसेंटा में कब जुगाली करने वाले जानवर, जुगाली करते रोकने वाले, आपने देखा होगा रोमेंट्स एनिमल्स उनकी आमाशय में चार भाग होती है, पांचवी जुगाली या रोमेंट्स करने वाली जानवर होती है, उसमें नॉन डेसिग्रेट होते हैं और डेसिग्रेट प्लेसेंटा दूसरे प्रकार का, उसमें मनुष्य प्लेसेंटा में मनुष्य और लास्ट में मोर एक जंतु होता है, तीन प्रकार का ये प्लेसेंटा, पांच प्रकार का ये प्लेसेंटा, सात आठ प्रकार
प्रकार का प्लेसेंटा का, इसके अलावा और भी कई प्रकार की होती है, आपको आठ नौ प्रकार बता दिए। प्लेसेंटा है क्या? मदर के न्यूक्लियस और बच्चे की नाभि से जुड़ने वाला एक अस्थायी संबंध जो तब तक करता है कार्य जब तक गर्भाशय के अंदर बच्चा डेवलप हो जाएगा। अब बच्चे ने जन्म ले लिया, बच्चे के जन्म में आपने देखो गाय भैंस फिर बकरी पालती है तो शहर के भी निकलती है, ऐसे भी मदर से जैसे ही बच्चे ने जन्म ले लिया निमेटिक ग्लैंड से मिल्क सीक्रेशन शुरू हो जाता है, हार्मोन्स होता है, इसके पहले नहीं होता। जैसे ही बच्चे ने जन्म ले लिया इसके तुरंत बाद आफ्टर 20-25 या और भी पहले क्या होता है, मिल्क सीक्रेशन होने लगता है और बच्चा दूध पीने लगता है। और उसमें एक पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखना, जैसे बोलो होता है गाय भैंस में भी कुछ दो तीन दिन क्या होता है एक पदार्थ दूध निकालते हैं लेकिन उसमें क्या होता है पीला पड़ जाता है, ऐसे ही मनुष्य के लिए कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है। कोलेस्ट्रॉल में एक प्रोटीन पाया जाता है, वो प्रोटीन के कारण क्या होता है उसमें वह एंटीबॉडीज होती है, वह प्रोटीन होती है उसमें क्या होता है एंटीबॉडीज होती है। इतना कह जन्म के बाद बच्चे को मदर का दूध पीना है, अगर मदर का दूध नहीं पीती है तो अनेक रोगाणु शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल में अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ मिले होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मिला होता है कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन मिला होता है, वह प्रोटीन एंटीबॉडीज का काम करता है, एंटीबॉडीज के कारण वह रोगाणुओं से रक्षा करता है बच्चों को अनेक प्रकार के रोगाणु का दूध का, इसलिए कहते हैं कि बच्चे को जो है मदर का दूध अति आवश्यक है कुछ महीने तक तो बगैर उसके रोगग्रस्त हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, हमको बताया था कि प्रोटीन कौन सी है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के कारण और क्या करता रहता है एंटीबॉडीज का काम करता है उस बच्चे के अंदर और बच्चे के अंदर से वो पीता रहता है दूध जिससे वह रोगग्रस्त नहीं हो पाता। इस प्रकार से एम्ब्रियो डेवलपमेंट में थ्री एक्सपेरिमेंट में एम्ब्रियो कॉन्जुगेट पार्ट प्लेसेंटा के बारे में पासा और टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा मैटरनल प्लेसेंटा और फीटल प्लेसेंटा को मिलाकर के आपको हमने 9-10 प्रकार के प्लेसेंटा का वर्णन किया।